तो गाइस तेजस का न्यू स्कूल में एडमिशन हो गया है ना तेजस, ये में मटल गिर जाएगा बाबू नीचे। कहाँ जा रहे हो? इसको बहुत पेन हो रही है भाई। तो गाइस आज तेजस की एडमिशन होने की खुशी में हम लोग कर रहे हैं पारी। पारी में क्या है तेजस? घर का बनाया हुआ चीज रोल जो कि बहुत ही हेल्दी टेस्टी एंड कूल है, जो कि आपको हमने पिछली वीडियो में एक बार रेसिपी भी बताई थी। तो तेजस की न्यू स्कूल में एडमिशन हो गई है, ये जाएगा अप्रैल से। हैप्पी हो राधिका? हाँ जी। कितने? तेजस आप हैप्पी हो? कितने? तो इसकी मम्मी ने तवा का बोल, क्योंकि इसका वो दर्द हो रहा था ना, क्या कौन सी दर्द हो रहा था, तो उसकी दादी ने यहाँ पे तवे का काला लगा दिया। मम्मी कहते हैं तवे के काले से ठीक हो जाता टॉन्सिल, आई डोंट नो। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ज्यादा नहीं हो गया? सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस आज का जो दिन होने वाला है वो होने वाला है हमारे अक्षत भांजा जी से। इनका आज स्कूल में क्या है? कार्निवल। तो इनका स्कूल में कार्निवल है और परेशान मेरे को किया जा रहा है। क्यों क्यों किया जा रहा भाई? पता नहीं, ये क्या बात ये है भाई, तो खुद परेशान हो रहे हैं मामू। बच्चों का कार्निवल होता है, मैं वहाँ क्या करूँ? मैं कौन से झूले खेलूंगा भाई? मैं कौन से झूला खेलूं? कोई भी नहीं। ट्रैम्पोलिन? नहीं। फिर जो खेलना खेल, वैसे देखो हाइट तो बराबर है, मैं खेल सकता हूँ वैसे, और वेट भी बराबर होगा। ये मैं ट्रैम्पोलिन खेलूंगा, बच्चों के बीच में हंसेंगे तो नहीं? कोई नहीं हंसेंगे, मुझे नहीं लगता हंसेंगे। किसको लगता है? किसी को भी नहीं, क्योंकि आप स्टार हो। ओह माय गॉड, आई एम अ स्टार। तो गाइस हम चलते हैं और देखते हैं कार्निवल कैसा है। राधिका को भी लेके जाना था लेकिन ये तैयार होती नहीं है। तेजस को भी लेके जाना था, वो अलाउड नहीं है, बिकॉज एक बच्चे के साथ एक ही, क्या कौन अलाउड है? एक बच्चे के साथ एक ही अलाउड है? एक बच्चे के साथ एक ही गेस्ट अलाउड है। ओके, तो ऐसी बात है। कैसा लग रहा है विनिंग का ये खा के? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा मजा आ गया। मजा आ गया। अब कौन सी गेम में जीतना है? वैसे तो बहुत सारी गेम में देखते हैं। उधर भी है? हाँ। कौन सी? बहुत सारी हैं। है, चलो मैं भी जाके देखता हूँ। चलो जाओ। केले खा रहे? मेरे को तो पूछा नहीं आपने, आप तो झूठा हो गया। कोई बात नहीं। लास्ट वो मुश्किल है, ध्यान से डालना। ओ थोड़ा सा रह गया था, अभी हो जाना था। ओह माय गॉड, कोई बात नहीं, बेटर नेक्स्ट टाइम। नीचे करो उसको, नीचे जल गया वो, जल गया जल गया जल गया। सो गाइस मैं आ चुका हूँ वापस फाइनली। बहुत अच्छा लगा, बचपन के दिन याद आ गए, जब हमारे भी फंक्शन होते थे तो मम्मा नहीं आते थे हमारे साथ, है ना मम्मी? अच्छा लगता था, मैं भी हर चीज में पार्टिसिपेट करता था जब। हाँ, अच्छा लगता था बहुत, डांस करता था, जिमनास्टिक भी की थी, है ना? क्या क्या देखा था आपने? उछलते हुए उछलते ही देखा होगा मैं, क्योंकि उछलते ही था क्योंकि मैं जिमनास्टिक करता था ना, बैक फ्लिप फ्रंट फ्लिप वगैरह ज्यादा करता था। तो आज मैं जाके आया मम्मी, मेरे को पुरानी यादें ताजा होगी। अच्छा, किसके साथ गया? भांजा के साथ स्कूल। अच्छा, भांजा का देख के आया, मजा आ गया। और मम्मी सुनो, और तेजस की न्यू स्कूल में एडमिशन हो चुकी है, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। जाम ने सोचा था वहाँ हो गया ना? हाँ। जाम ने सोचा था गाइस वहाँ हो गया, थोड़ी डिफिकल्टीज आई बट हो गया। एक चीज बोलना चाहूंगा, स्कूल का ना एक रूल अच्छा नहीं लगा। हम दो तीन स्कूल में गए ना, तो हर स्कूल में पेरेंट्स की इनकम मांगी कि इनकम कितनी है, मतलब है ना, जैसे हमारी तो चलो ठीक है तो उससे तो चल जाता, मतलब एक अगर बोलना चाहूं मैं क्या पॉइंट रखना चाहता हूं, इनको नॉलेज नहीं इतनी कि आईटीआर वगैरह भी भरना होता है, और इतनी इनफ उनकी वो भी नहीं सैलरी की वो आईटीआर में दिखा सके, बट वो अपने बच्चे को जैसे तैसे पढ़ाना चाहते हैं बड़े स्कूल में, है ना, तो वो तो पढ़ नहीं पाएगा। मतलब अगर वो उनके पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं है, वो तो अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, तो वो तो पढ़ा ही नहीं पाएंगे यार। मतलब
मुझे ये चीज समझ नहीं आई यार, क्या वो भी तो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं कि नहीं मम्मी? चाहते हैं। अगर वो हैं। अगर वो पढ़ा, अगर उनको अंदर से होगा कि मैं अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है, वो जैसे तैसे पढ़ाएंगे अपने बच्चे को, इनकम क्या भाई, अगले अगलों को लगता है मैं यहाँ पढ़ा से तो तभी अगले लगाते हैं। तो अगर वो ITR नहीं भरते तो उनको मतलब अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगी उनके बच्चे को, क्या पता। कितनी गलत बात है। मूवी में सीन था, मैं मूवी का नाम भूल गया, क्या होता है उसमें, उसका ना प्रिंसिपल होता है जो बच्चे का एडमिशन नहीं देता क्योंकि उसका पापा अनपढ़ होता है, मतलब उसने वो नहीं की होती ग्रेजुएशन वगैरह, तो कहते हैं पापा भी पढ़ा लिखा होना चाहिए, माँ भी, तब जाके बच्चे का एडमिशन मिलेगी। फिर हीरो आता है और प्रिंसिपल के पापा को उठा के लेके आता है और उसका पापा भी पढ़ा नहीं होता, मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ समझ गए होगे। बाकी मेरे को तो बहुत खुशी हुई तेजस की न्यू स्कूल में एडमिशन हो गया, अब से तो नहीं, अब अप्रैल से इसका न्यू सेशन स्टार्ट हो जाएगा, मज़ा ही मज़ा। तो राधिका कितना टाइम हो गया आपको घूमने गए हम कहीं भी, है ना? बहुत टाइम हो गया यार, हम लोग तो कहीं बाहर भी नहीं जा रहे यार, दिमाग खराब क्यों नहीं जा रहा कुछ नहीं पता। भाई राधिका सीजन भी चल रहा था तो थोड़ा बिजी भी थी, वो मेकअप मुकअप वगैरह कर रही थी तो इसलिए हम कहीं नहीं गए बाहर, है ना। कहीं बनाओ यार प्लान, कहाँ चले कहीं घूमने का हमने। दिल तो कर रहा है बहुत ज़्यादा। कहाँ जाने का? कहीं पे बस जाना है। एक तो ये तेजस अलग ही बीमार होता रहता है, शुक्र है ठीक हो गया थोड़ा बहुत, काला टिक्का लगा दो यार इसको। बीमार हो गए थे तेजस तो आज थोड़ा सही है भगवान की कृपा से और आप लोगों की दुआ से। हाँ अभी फिर गिर गया ये बेड में, बेड से सीधा नीचे गिरा, हाथ मुड़ गया इसका, मैं डर गया भाई, मैं कहा हाथ फिर से, हाथ को कुछ ना हो जाए, मैंने फिर हाथ आगे पीछे ऐसे करवाया, ठीक था दिमाग। शरारत कितनी है बच्चे, बाप रे कितना यार तू शरारत करता तेजस, बैठने का दिल ही नहीं करता, बाथरूम से भाग के आई मैं। आओगे ही पता कितने जोर से गिरा था। तो गाइस बज रहे हैं शाम के 5 और मैं इतना खो गया था राधिका की बातों में, राधिका के प्यार में, कि मैं खाना खाना ही भूल गया। सुबह ब्रेकफास्ट किया, लंच करना ही भूल गया। अभी हम कहीं क्या था, हमने किया 1 बजे। 1 बजे खाया? हाँ। अच्छा 1 बजे हमने ब्रेकफास्ट किया तो मैं खाना खाना भूल गया, तो अब जाके हम लोग बना रहे हैं अपने लिए रोटी, अपने लिए नहीं सिर्फ मेरे लिए शायद, है ना। आप नहीं खाओगे? एक खा लो, तो बहुत ज़्यादा भूख लगी है। इसके बाद हम कहाँ जा रहे हैं पता है, घूमने के लिए, राधिका का मेकअप लेने। मुझे कैसे घूमना भाई, कहती प्लान करते हैं घूमने चलते हैं, वो मैं तैयार तूर हो गया, कहती मेकअप लेके आ रहा है। ये कौन से घूमना होता है? ये वहाँ पे मॉल है ना, पवेलियन मॉल, घूम लेंगे फिर वापस आ जाएंगे। इससे अच्छा यहीं घूम लेता हूँ मैं। तो फाइनली रोटी बन चुकी है, रूखी सूखी रोटी खाएंगे दही के साथ, भरता और आलू गोभी। राधिका की ना आजकल प्रॉब्लम चल रही है, राधिका बताऊँ आपको सबके सामने, आप ना नमक बहुत डाल रहे हो आजकल खाने में, मजाक नहीं। और भरते में ना हमेशा कम नमक डालना चाहिए, भरते में नमक हमेशा ज़्यादा लगता है, पता क्यों? क्योंकि वो भरता होता है, इसके अंदर ना नमक जल्दी अब्जॉर्ब हो जाता है, तो नमक बहुत ज़्यादा लगता है इसमें। इसने 3 बारी भरता बनाया, 3 बारी नमक ज़्यादा, 3 बारी। तो कोई बात नहीं, अब खाते हैं रुकी सूखी, बाकी हम लोग खाते हैं गाइस। आप इस वीडियो को यहीं तक रखो, आप क्यों रखो, हम रखेंगे, तो ये वीडियो यहीं तक है, बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय बाय।